हेलो फ्रेंड्स, सोनास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे, देखिए ये वाली टूरन पट्टी के डिज़ाइन जो हमने रेड कलर के फ्लावर्स बनाए थे ना, उसमें हमको ये वाली टूरन पट्टी की डिज़ाइन लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बनाया है। ये टू पार्ट्स में बना सकते हैं, अगर आपको चौड़ा चाहिए तो फोर पार्ट में बनाइए और दो पार्ट को स्टिच करिए और एक पार्ट में ही बनेगा दोनों डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इतना लंबा बना करके रेड कलर का अलग कर लिया। ठीक है, अब येलो कलर से बनाएंगे। ये देखिए रेड और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, तो अब येलो कलर से बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक गांठ लगाएंगे। ठीक है, एक गांठ लगाएंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार इस तरह से क्रोशिया को लपेटेंगे धागे से और इसमें से फर्स्ट वाले में से निकाल के देखिए, फिर इसको एक हो जाएगा। यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः और ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे हम। देखिए इस तरीके से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार बना लेंगे। और देखिए इसके बीचों बीच है ना, यहाँ पे डाल करके फिर इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये देखिए सात, इस तरीके से देखिए इस तरह से निकाल लिया। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस ये बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः ये बना लेंगे। और देखिए इसके बीचों बीच में डाल करके यहाँ पर से यहाँ ऐसे डाल करके ऐसे से डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे डाल करके ऐसे निकालेंगे, इसमें से इसको निकाल लेंगे एक बार दो, फिर तीन चार पाँच छः एक सात। देखिए इस तरीके से करते हुए हम इस तरीके से करते हुए 32 बना लेंगे। ठीक है, यानी कि 32, ये हमने 32 बनाया हुआ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस। देखिए 32 बनाया यानी कि 32। तो इस तरीके से हमने ये तीन बना लिया है ना, पूरी रो को हम कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आगे कैसे क्या करना है। देखिए हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना बड़ा बनाया हमने, देखिए 32 हमने ये 32 बनाए थे ना, रेड वाला 32 था, तो ये भी 32 बना लिया हमने। यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस हो गया यहाँ पे चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और ये लास्ट वाला 32। तो देखिए हमने 32 बना लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना लिया ना। अब इसके अंदर से इस थ्रेड को ऐसे निकालेंगे और ऐसे देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया हमने उसमें भी बनाया है, इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है, देखिएगा ऐसे तीन चार हो गया पाँच छ सात आठ नौ और ये दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, देखिए 14 हो गया। देखिए इतना कवर हो गया, इतना पूरा।
अब हम देखिए यहाँ पे स्लिप नॉट से इसके बीचों बीच जहाँ ज्वाइंट था ना, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में डालकर, इधर वाले में डालकर यहाँ पे ऐसे, ये देखिए एक चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। फिर इसी राउंड को उधर से भी हमको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, उधर से भी सेम यही प्रोसेस करना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे, देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और फिर जो हमारा यहाँ पे ना ये स्टिच किया है, यहाँ पे हमने जॉइंट किया, यहाँ पे इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, देखिए फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे डाल के ऐसे, ये देखिए, और एक चेन लेंगे और फिर यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए हमको लास्ट तक पूरा ये हमको इसी तरीके से कवर करते हुए जाना है और फिर साइड से भी हमको बगल से भी ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से जाके हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। कवर कर लिया हमने इसको, ऐसे देख लेंगे बराबर करके ऐसे, और फिर यहाँ पे जॉइंट वाली जगह पे यहाँ पे स्लिप नॉट से जॉइंट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में डाल करके यहाँ पे ऐसे स्लिप नॉट लगा देंगे यहाँ से और एक चेन ले लेंगे और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देंगे बनाना, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी रो हमको यहाँ तक की पूरी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए इसी तरीके से इस साइड से भी इधर से ऐसे बनाते हुए आएंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, स्टिच करेंगे, फिर इसको पूरा ऐसे भर देंगे इसको, जैसे ये हमने इस साइड किया है, फिर यहाँ स्टिच करेंगे, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने तुरंत पट्टी की डिज़ाइन कम्प्लीट कर ली है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये पूरा राउंड हम एक साइड का लेके गए हैं, उधर से फिर टर्न होके यहाँ तक हम बुन के चले आए हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहाँ पे इसको स्लिप नॉट से ऐसे जॉइंट करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था ना, वैसे ही करना है। तो देखिए इस जगह पे जो यहाँ नहीं है, यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे इसको स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर देखिए इसमें जिसमें बनाना है उसमें स्लिप नॉट लगा करके ऐसे ऐसे करके इसको भी ऐसे डबल क्रोशिया से कवर कर देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद से ये हमारा डिज़ाइन बन करके कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे, देखिए ऐसे हमने इसको इतना कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्लिप नॉट लगा करके इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरीके से, और धागे को कट कर देंगे। यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है, देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से। देखिए कि ये हो गया और इसी के साइज़ का हमने एक ये रेड वाला बना लिया, ठीक है। तो देखिए इसको फिर आगे हम कैसे क्या करेंगे। देखिए आप चाहें तो दोनों को इस तरीके से स्टिच करके चौड़ी डबल पट्टी बना सकते हैं, टूरन पट्टी डिज़ाइन इस तरीके से, यहाँ से स्टिच कर करके इन दोनों को यहाँ पे स्टिच कर करके यहाँ पे मोतियाँ लगा सकते हैं और यहाँ भी मोतियाँ लग सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। एक तो डिज़ाइन हमारी ये बन के कम्प्लीट हो जाती है इस तरीके से, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और एक हम बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों टूरन पट्टी को हमने एक साथ रखा है, ये देखिए इस तरीके से दोनों को सीधा साइड रखेंगे और देखिए हमें क्या करना है ऐसे, देखिए ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर
देखिए इस तरीके से अब येलो वाले के अंदर से फिर से रेड वाले को निकालेंगे। जाएगा और इस तरीके से एक बार देखिए जो ऐसे ना एक बार रेड में से निकालिएगा ऐसे करके, एक बार रेड और एक बार येलो, एक बार रेड एक बार येलो, इसी तरीके से करते हुए हमको इसको पूरा कवर करने। देखिए रेड में से निकाल दिया, अब एक बार येलो, जी देखिए फिर इस रेड में से निकालेंगे। बस यही प्रोसेस करते हुए जाना, एक बार रेड एक बार येलो, एक बार रेड एक बार येलो, ऐसे ऐसे चोटी बनती हुई चली जाएगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए टर्न पट्टी डिज़ाइन, देखिए इस तरीके से ऐसे फिर इस रेड वाले में से निकालेंगे। बहुत इजी, दो टूरन पट्टी बनाइए पतली पतली, इन दोनों को आपस में इस तरीके से आगे पीछे करके अटैच करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से कितनी खूबसूरत लग रही है और थोड़ी चौड़ी भी बन करके तैयार हुई है। इसकी आप चाहें तो आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा बनाइएगा। तो इसको मैं पूरा आपको इसकी चोटी बना करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने टर्न पट्टी को इस तरीके से देखिए चोटी बना ली है, कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए इस तरीके से और देखिए चौड़ी टर्न पट्टी बन करके तैयार हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये और बाकी, देखिए एक बार रेड वाले में और एक बार येलो वाले में इस तरीके से इसको हम बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से देखिए कितनी खूबसूरत टर्न पट्टी बन करके तैयार हुई है ये। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गलत हो गया, यहाँ पे दो कलर दिख रहा है ना येलो का, ये देखिए इस तरीके से हमने एक एक देखिए एक रेड येलो इस तरीके से करते हुए हमने टर्न पट्टी की डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। अब इसमें जो चाहे डिज़ाइन बनाना चाहें आप डिज़ाइन बना सकते हैं, इसकी आप आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं, किसी दूसरे कलर से इसकी आउटलाइनिंग भी आसानी से कर सकते हैं, इसको आपस में अटैच करते हुए बांध करके, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका।
या तो इसकी आउटलाइनिंग करेंगे या फिर इसमें हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत तुरंत पट्टी बन करके ये तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से ये कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।